सम ऑफ ऑल साइड्स राइट और बार, बार 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 रिपीट अगर इस रेगुलर चीज है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं तो उसको बार बार प्लस करने की बजाय हम क्या यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन आते हैं आपके फर्स्ट पार्ट पे क्या कह रहा है अ ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल ऑफ साइड थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर वी हैव टू फाइंड पैरीमीटर तो यहाँ से क्या लिखोगे फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पेरीमीटर को क्या कर दू प्लस तो थ्री प्लस फोर प्लस फाइव फाइव थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व तो कितना आ गया ट्वेल्व सेंटीमीटर कितना आ गया ट्वेल्व सेंटीमीटर सेकेंड पार्ट में आपका क्या है देखो बेटा सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर ठीक है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होते हैं थ्री साइड्स आर इक्वल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल तो 9 प्लस 9 प्लस लिखने के बजाय आप क्या लिख दो थ्री इंटू क्या लिख दो ना थ्री इंटू तो क्या आ तो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल या फिर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन बाय थ्री इंटू साइड विच इज इक्वल टू थ्री इंटू नाइन थ्री इंटू नाइन ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर राइट आफ्टर दैट एन आइसोसेल ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स ईट सेंटीमीटर एज यू नो बेटा आइसोसेलस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है टू साइड आर इक्वल का मतलब क्या होता है टू साइड सेंटीमीटर और जो तीसरी साइड थी वो कितनी है थ्री सेंटीमीटर तो बेटा सिक्स सेंटीमीटर तो पैरिमीटर क्या हो जाएगा पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा एट प्लस एट एंड प्लस सिक्स देखो बेटा एट एंड एट 16 एंड 16 प्लस 6 24 तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर क्लियर नाउ मूव टू ओवर क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या कह रहा है वी हैव टू फाइंड आउट द पेरिमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इन विच साइड्स इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर तो क्या लिखोगे बेटा पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल 15 और प्लस बेटा तो कितना आ गया थर्टी नाइन सेंटी मीटर इज योर आंसर नाउ मूव टू आवर पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट आपका क्या कह रहा है ध्यान से देखना बेटा फाइंड द पैरिमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग एट सेंटीमीटर अब उसने क्या बोला रेगुलर हेक्सागन। देखो बेटा रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है क्या लिखोगे साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सा का मतलब होता है जिसकी कितनी साइड्स हो सिक्स यहाँ कितना दिया हुआ है बेटा साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज गिवन टू बी एट मीटर कितनी एट मीटर उसका क्या निकालना है पेरीमीटर हेक्सागन का मतलब क्या होता है बेटा ओल साइड्स आर इक्वल रेगुलर वर्ड यहाँ आ गया तो ओल साइड्साटी एट मीटर कितना आ गया फोर्टी एट मीटर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइन पे क्वेश्चन नंबर नाइन आपका क्या कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर हुटर इज ट्वेंटी सेंटीमीटर तो क्या दिया हुआ है बेटा उसने बोला ऑफ़ स्क्वायर क्या दिया हुआ है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है बेटा ट्वेंटी मीटर कितना दिया हुआ है ट्वेंटी मीटर एंड वी नो बेटा पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है फोर इन साइड फोर इंटू साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है ट्वेंटी मीटर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है साइड की तो साइड अगर निकाल लूंगी तो ये मल्टीप्लाई में है वहां जाएगा तो बेटा डिवाइड में क्या आ जाएगा साइड इज इक्वल टू ट्वेंटी बाई फोर फोर सिक्स फाइव ट्वेंटी तो कितना आ गया फाइव मीटर कितना आ गया फाइव मीटर अब आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन पेंटागन का मतलब क्या होता है बेटा पेंटा स्टैंड फॉर फाइव साइड्स क्या दिया हुआ है पेंटा स्टैंड फॉर फाइव साइड्स ठीक है पांच साइड वाला अगर मैं पांच साइड वाले की बात कर रही हूँ रेगुलर वर्ड यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है बेटा पांचों की पांचों साइड क्या है सेम है पांचों की पांचों साइड्स क्या है सेम है अगर फाइव प्लस, फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव तो बेटा ध्यान देना मैं बार बार प्लस यूज करने की बजाय क्या लिख दूंगी फाइव इंटू फाइव आंसर आ जाएगा क्लियर तो बेटा यहां से फॉर्मूला क्या बना फाइव इंटू साइड तो लिखो क्वेश्चन नंबर टेन में क्या आ गया पैरिमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन कितना दिया हुआ है ध्यान से देखना बेटा पेरिमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज गिवन टू बी 100 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर अब ध्यान से देखना अगर मैं पैरीमीटर की बात करूं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू साइड इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर कितना बेटा 100 सेंटीमीटर ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाएगा डिवाइड में तो कितना आ गया साइड इज इक्वल टू वन हंड्रेड बाई फाइव फाइव टू जी टेन और जीरो तो कितना आ गया ट्वेंटी सेंटीमीटर कितना आ गया ट्वेंटी सेंटीमीटर तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट नाइन टेन आई होप इट इज क्लियर टू आवरी एंड इफ़ यू लाइक इट दैन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच